शिव और शक्ति के मिलन का पर्व महाशक्ति देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिवालयों में दर्शन और पूजा के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर दूध दही शहद आदि से अभिषेक किया जा रहा है। मंदिरों में रात्रि जागरण का आयोजन भी किया गया है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई। 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे। मंदिर का द्वार आम दर्शनों के लिए खोला जाएगा। इसके लिए ओंकारेश्वर मंदिर में खास तैयारियां की गई हैं। पंचांग गणना के आधार पर केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय की गई है। 25 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ पूजा की जाएगी। इसके बाद 26 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ की यात्रा निकलेगी, जो 28 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। फिर सुबह 29 अप्रैल की सुबह 6:10 पर पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले साल 29 अक्टूबर को भैया दूज के दिन केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से सभी देशवासियों के जीवन में सुख शांति समृद्धि और सौभाग्य आए। ओम नमः शिवाय। गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाशिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। महाशिवरात्रि पर सीएम योगी ने भी ट्वीट कर लोगों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि देवाधिदेव महादेव की आराधना को समर्पित महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व की सभी भक्तों को असंख्य शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि वे हमें अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित करें और समस्त जगत का कल्याण करें। महाशिवरात्रि के खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित शिव मंदिर में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक भी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगरा आगमन पर आगरावासी स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन के साथ साथ आगरावासी भी उनके इस दौरे को सफल बनाने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी को लेकर आज आगरावासियों ने एकत्रित होकर महाशिवरात्रि के पर्व पर आगरा कैंट स्टेशन के बाहर अटल चौक पर हवन किया और दुआ की कि डोनाल्ड ट्रंप का यह दौरा पूरी तरह से सफल रहे। उत्तराखंड में भी बड़े धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। राजधानी देहरादून में शिवालयों में भी सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। देर रात से ही हो रही बारिश के बावजूद भी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि शिवरात्रि के मौके पर बरसात का होना शुभ माना जाता है और भगवान शिव के जलाभिषेक को लेकर भक्तों में अटूट श्रद्धा होती है, जिसके चलते वो हर कठिनाई को पार कर मंदिर आ रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान की पूजा के लिए भक्तों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। शिवरात्रि के मौके पर उत्तराखंड के लाखा मंडल में हर साल की तरह इस साल भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। लाखा मंडल का इतिहास पांडवों से माना गया है। कहा जाता है कि यहां आकर पांडवों ने महादेव की तपस्या की थी, जिसके बाद वे स्वर्ग की यात्रा पर चले गए थे। लाखा मंडल में कई ऐसे शिवालेख एवं शिवलिंग है जिन पर आज भी शोध चल रहा है। बस्ती में महाशिवरात्रि के पावन मौके पर भद्रेश्वर नाथ मंदिर में भोले बाबा पर जल चढ़ाने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। सुबह से तेज हवाओं और हल्की बारिश के बीच भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर में लगातार आ रही है। बाबा भद्रेश्वर नाथ का मंदिर मंडल मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। ये प्राचीन धाम है। कुंदाना नदी के 3 तटों के बीच स्थित यह शिव मंदिर प्राचीन महत्वता को समेटे हुए है। परिसर काफी विशाल है। महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या पर संभल में मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके भाईचारे का संदेश दिया। मुसलमान समाज द्वारा लगाए गए स्वागत पंडाल के सामने एसपी ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की है। एसपी के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा की। दरअसल महाशिवरात्रि के पावन अवसर को लेकर शिव भक्त हरिद्वार और ब्रज घाट से जल लेकर पहुंच रहे हैं, जिनका स्वागत में मुसलमान समाज के साथ साथ संभल पुलिस भी लगी हुई है।
हरिद्वार में भारी बारिश के बावजूद भोलेनाथ के भक्तों की आस्था महाशिवरात्रि के अवसर पर कम नहीं हुई है और भारी बारिश के बावजूद भोलेनाथ के भक्त दुधेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज के दिन ही सती का विवाह कनखल में भोलेनाथ से हुआ था। कनखल राजा दक्ष की राजधानी और शिव का ससुराल माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ दुधेश्वर महादेव मंदिर में विराजते हैं, तभी तो लगातार हो रही बारिश पर भी शिव भक्तों का कोई असर नहीं हो रहा है। हल्द्वानी में महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। शहर में छोटे बड़े हर शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करने के लिए सुबह से ही लोग मंदिर में लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि मौसम खराब और बरसात के बावजूद भी शिव भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से सभी मनोकामना पूरी होती है, लिहाजा हर छोटे बड़े मंदिरों में आस्था का विहंगम नजारा देखने को मिल रहा है। महाशिवरात्रि के पर्व पर खटीमा के चरकपुर क्षेत्र में स्थित पौराणिक वनखंडी महादेव मंदिर में 10 दिवसीय मेले का आज से आगाज हो गया है। वनखंडी मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव को जलाभिषेक कर भोलेनाथ से अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि बीते रात से रुक रुक कर बरसात हो रही है, पर इसके बाद भी भक्तों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। स्थानीय विधायक पुष्कर धामी ने शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया। वनखंडी महादेव मंदिर पांडव काल के समय से पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान स्थापित किया था। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार अब जल्द हो सकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज एक दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री रावत ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इससे मंत्रिमंडल में खाली 3 स्थानों को जल्द भरे जाने की संभावना पुख्ता हो गई है। उत्तराखंड में इस वक्त मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल का आकार 9 सदस्यीय है। हालांकि यह अधिकतम 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसमें 3 सीट खाली चल रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। सुबह 4 बजे से ही हजारों लोग अपनी फरियाद लेकर मंदिर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों से उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने लोगों की फरियाद सुनकर उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित है। जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा भी की। सूबे में योगी सरकार आने के बाद से एक के बाद एक शहर और रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं। इस कड़ी में प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद शहर का नाम बदलने के बाद अब वहां के रेलवे स्टेशनों का नाम भी बदल दिया है। प्रयागराज जनपद के तहत आने वाले इलाहाबाद जंक्शन, इलाहाबाद सिटी, इलाहाबाद छिवकी और प्रयागराज के नाम में बदलाव किया गया है। अब ये रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज छिवकी और प्रयागराज संगम के नाम से जाने जाएंगे। सीएम त्रिवेंद्र के निर्देश पर सूबे के समाज कल्याण विभाग के वृद्धावस्था, विकलांग, परित्यक्ता पेंशन में प्रतिमाह 200 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है। अभी तक लोगों को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में मिल रहे थे, लेकिन अब 200 रुपए की बढ़ोतरी के बाद लाभार्थियों को पेंशन में 1200 रुपए मिलेंगे। वहीं प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने इसे सरकार का बड़ा फैसला करार दिया है। पिथौरागढ़ में जिला अस्पताल में 2 महीने में 4 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई है। मामले पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार महिला की डिलीवरी हो गई थी, लेकिन रक्त स्राव नहीं रुक रहा था। मामले में जिसकी भी जिम्मेदारी होगी इसको सुनिश्चित किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर प्रदेश के विकास की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। प्रीतम सिंह का कहना है कि कांग्रेस विधायकों की विधानसभाओं में विकास की बात तो छोड़िए, जो बीजेपी विधायकों की विधानसभाएं हैं वहां भी विकास नहीं हुआ, जिसकी वजह से विधायक सरकार से नाराज दिख रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब सरकार चाहे विधानसभा में बैठे, जिलों में जाए, जनता के विकास कार्यों को देखते हुए वोट देती है। साथ ही उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि पिछले 3 सालों में सरकार ने यहां कोई विकास कार्य नहीं किया। प्रमोशन में आरक्षण और भर्तियों में रोस्टर के मुद्दे पर जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज संगठन अब इसे देशव्यापी मुद्दा बनाना जा रहा है। 22 फरवरी को दिल्ली में कई राज्यों में कर्मचारी संगठन और आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले संगठनों के पदाधिकारी भी दिल्ली में पत्रकार वार्ता करेंगे। संगठन के अध्यक्ष दीपक जोशी के अनुसार इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने की जरूरत है, इसलिए इससे दिल्ली में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। मुरादाबाद में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 खाल गोदामों के मालिकों पर 9
1,58,00,000 का जुर्माना लगा है। गोदाम मालिकों को यह जुर्माना एक हफ्ते में जमा कराना होगा। लखनऊ में महाशिवरात्रि के दिन काले वीर महादेव मंदिर में चोरों ने दानपात्र चोरी कर लिया। एक साल से दानपात्र में भक्तों का चढ़ा चढ़ावा था। साल में एक बार महाशिवरात्रि में खुलता था दानपात्र। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। जहां एक तरफ पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर धनौल्टी में बर्फबारी से स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मौसम के बदलते करवट से पर्यटक तो खुश हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये मुसीबत बन गया है। शिवरात्रि के मौके पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शन को गए लोडर सवार श्रद्धालु वापस लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। फतेहपुर के तारापुर के पास ओवरटेक करते समय लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। लखनऊ में गुरुवार को ही व्यापारी की हत्या को लेकर यहियागंज में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। हत्या के बाद से ही व्यापारियों में काफी आक्रोश है। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर विरोध जताया और प्रशासन से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। बदायूं के गांधी ग्राउंड के पास वी मार्ट के बाहर खड़ी बाइक पर एक चोर ने हाथ साफ कर दिया है। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह चोर आता है, इधर उधर देखता है और बाइक लेकर 9-11 हो जाता है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी हुई है। लखीमपुर खीरी के हैदराबाद पुलिस थाने में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के बाद पुलिस थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग के मामले में पुलिस ने उसे 5 दिन से थाने में बैठा कर रखा था। मथुरा के थाना राया में एक युवती ने अपने ही सगे भाई पर दुष्कर्म का आरोप लगा दिया है। युवती की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल थाना हाईवे क्षेत्र में रहने वाली युवती को, जो मूल रूप से थाना सुरीर के गांव की है, उसने अपने ही भाई पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर युवती के भाई ने उसके साथ रिश्तेदार के यहाँ उसके साथ जबरदस्ती की। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। लखीमपुर खीरी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां 9 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म की बाद उसको मौत घाट उतार दिया गया। जानकारी के मुताबिक बच्ची कक्षा 4 की छात्रा है, जो अपनी 2 सहेलियों के साथ खेत में बथुआ बिनने गई हुई थी। दोनों सहेलियां तो घर वापस लौट आई, लेकिन और बथुआ बिनने की बात कहकर बच्ची खेत में ही रुक गई। जब देर शाम बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजन उसे तलाशने के लिए खेत में पहुंचे। काफी ढूंढने के बाद गांव से कुछ दूर पर मासूम बच्ची की लाश खेत में पड़ी हुई मिली, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महोबा में अवैध शराब को कारोबार का भंडाफोड़ किया गया। पाठा तिराहा का मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने एक मकान में छापा मारा तो घर में एक शराब बनाने के उपकरण समेत भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। इसके साथ ही शराब की बोतल, रैपर, बारकोड और स्टिकर भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार चला रहे थे। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कन्नौज में सरकारी शराब के ठेके पर जमकर उड़ाई जा रही है सरकारी आदेश की धज्जियां। दरअसल निर्धारित समय से पहले ठेके पर खुलेआम बेची जा रही है शराब। सुबह 7 बजे से ही ठेके पर बेची जाती है शराब। सरकार ने सुबह 10 बजे ठेके खुलने का समय तय किया है। पहले शराब के ठेके पर खुलेआम बेची जा रही है शराब। सिकंदरपुर सरकारी शराब ठेके की यह घटना बताई जा रही है। शामली में खाकी खुलेआम गुंडई करते सामने आई। खाकी का दबंगई वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी एक युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रहा है। दरअसल पुलिस की गाड़ी में युवक की बाइक हल्की से टकरा गई। इस पर पुलिस वालों ने चालक की पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस के पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला शामली के सहारनपुर रोड का है। लखनऊ के कृष्णानगर क्षेत्र में एक विवाहित ने फांसी लगा ली और वहीं ससुराल वाले अस्पताल में ही डेड बॉडी छोड़कर फरार हो गए। मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल वाले आए दिन दहेज की मांग करते रहे हैं और साथ ही शादी के बाद बेटा न होने से ससुराल वाले आए दिन प्रताड़ित भी करते रहे। साथ ही मृतक के भाई ने भी ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
राजधानी लखनऊ के तेलीबाग शनि मंदिर के पास से यात्रियों और बस कंडक्टर के बीच मारपीट की खबर सामने आई है, जहां सड़क पर लगी जाम को लेकर यात्री और बस कंडक्टर के बीच कहासुनी हो गई। फिर क्या था, बस ड्राइवर ने बीच सड़क पर बस खड़ी कर दी, जिसके बाद यात्रियों और बस कंडक्टर के बीच सड़क जमकर लात घुस चले। ऐसे में वहां खड़े किसी युवक ने मारपीट का पूरा वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई एक और मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश रवि भूरा घायल हो गया। आपको बता दें कि रवि भूरा नायडू गैंग का सक्रिय सदस्य है, मेरठ एनसीआर और कई राज्यों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही शिल्पा शेट्टी के पति राजकुंद्रा से हुई 8 करोड़ की लूट में भी रवि भूरा शामिल था। इसके साथ ही कुछ दिनों पहले गैंग के लीडर शक्ति नायडू को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया था, और आज SSP अजय साहनी के नेतृत्व में हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके में ओजोन सिटी रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 15,000 इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं मुठभेड़ में उसका साथी फरार हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताते चले कि बदमाश ने 10 फरवरी को गांधी पार्क इलाके में फाइनेंस कंपनी के कैशियर को गोली मारकर 11 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, लूट के 50,000 रुपये बरामद किए हैं। महाराजगंज जिले के परस मालिक इलाके में एक शख्स को सोशल मीडिया पर सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज करके युवक को हिरासत में ले लिया है। दरअसल सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। महाराजगंज के एक रेस्टोरेंट में चोरी का मामला सामने आया है। नगद समेत कीमती सामानों पर चोर ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात रेस्टोरेंट में लगे CCTV में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह आधी रात में एक चोर रेस्टोरेंट में चोरी के लिए दाखिल होता है और सामान खंगालता है, जिसके बाद दुकान में नकदी समेत कीमती सामान लेकर रफूचक्कर हो जाता है। वहीं पुलिस चोर को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। संभल में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए, वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। ग्रेटर नोएडा के तुलगपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां स्थित SDFC बैंक के ATM में आग लगी और लाखों रुपए जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ATM में आग लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश भी की। अलीगढ़ के खैर इलाके में बारिश के बाद बिजली गिरने से संजय कॉन्फ्रेंसरी और वर्मा मशीनरी स्टोर में आग लग गई। दरअसल कल रात में तेज बारिश और गर्जन से में आकाशीय बिजली गिरी थी। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि भारी बारिश के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। भीषण आग, दोनों दुकानों में करीब लाखों रुपये का नुकसान हो गया। कौशाम्बी पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चे बुरी तरह झुलस गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर में R9 TV की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीजेपी विधायक विजेंद्र खटीक के बेटे का गुरुवार को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें विधायक का बेटा एक सगाई समारोह में हार्श फायरिंग करते हुए देखा जा सकता था। ऐसे में R9 TV ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके बाद बुलंदशहर पुलिस हरकत में आई और SSP के आदेश पर विधायक के बेटे विकास खटीक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आगरा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताजमहल का दीदार करने आएंगे। उनके दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शासन स्तर से हर विभाग की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति का काफिला जहां से भी गुजरेगा लाइव CCTV से उनकी निगरानी की जाएगी। अमेरिकी प्रेसिडेंट की लाइव निगरानी के लिए प्रस्तावित रूट पर लगे सभी कैमरों को कंट्रोल रूम और स्मार्ट सिटी कार्यालय से जोड़ दिया गया है। ताजमहल के आसपास बने मकानों पर पुलिस की नजर है। ताज के सभी गेटों के साथ बाजारों में भी पुलिस तैनात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी में नौसेना के लिए अमेरिका के 24 मल्टीरोल हेलीकॉप्टर रोमियो खरीदने का फैसला किया गया। CCS ने बुधवार को $2.6 बिलियन के इस सौदे को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे के दौरान इस सौदे पर मोहर लग सकती है।
सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी के मन से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। प्रदर्शनकारी लड़की का नाम अमूल्या लियोना है। बेंगलुरु पुलिस अभी अमूल्या लियोना से पूछताछ करेगी और इसके बाद उसे कोर्ट में पेश करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सेना के नए भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे भी मौजूद रहे। थल सेना भवन कॉम्प्लेक्स लगभग 39 एकड़ में फैला होगा। कार्यालय परिसर और पार्किंग में निर्माण के लिए लगभग 7.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा, हमने नए सेना भवन का शिलान्यास किया। यह देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सशस्त्र बलों के नायकों का प्रतिनिधित्व करेगा। टी20 और वनडे सीरीज के बाद अब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें दो मैचों की टेस्ट सीरीज में आमने सामने होंगी। पहला मैच आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। इसी बीच भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने पंत को लेकर बड़ा बयान दिया है। रहाणे ने कहा है कि ऋषभ पंत को स्वीकार करना होगा कि वह खराब दौर से गुजर रहे हैं और उनके बतौर क्रिकेटर बेहतर होना होगा, पर फोकस जारी रखना होगा। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राजनीति से ज्यादा अपने तरह तरह के अवतार को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब महाशिवरात्रि पर वैशाली जिले के गंगाजल गांव में उनका कृष्ण अवतार देखने को मिला। यहां एक धार्मिक कार्यक्रम में तेज प्रताप ने मंच से बांसुरी की तान छेड़ सभी को हैरान कर दिया।